नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन। मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। चाइल्ड केयर सेंटरों में COVID-19 से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन करें, SDM अपराजिता का बयान। स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी, SDM अपराजिता ने कहा। हरियाणा के मंत्री अब बनेंगे कोरोना वॉलंटियर, वैक्सीन के ट्रायल रन जल्द शुरू होने जा रहा है, अनिल विज का बड़ा बयान, सबसे पहले मैं टीका लगवाऊंगा। कुरुक्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते बहू ने अपने सास की हत्या करवाई, दो आरोपी गिरफ्तार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए रोड मैप तैयार, दुनिया भर के 36 शहरों में से 4 भारतीय शहर भी होंगे शामिल, इंदौर, हैदराबाद, फरीदाबाद और बेंगलोर। तो रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया अफसोस। त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी कहकर दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की छठ पर्व की याचिका। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 90% ICU बेड हुए फुल, मनीष सिसोदिया बोले कि नहीं लगेगा लॉकडाउन। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। अंडरवाटर विला में एक्टर काजल अग्रवाल का हनीमून, एक रात रुकने की कीमत $50,000। दिवाली पर चला एक्टर राजकुमार राव का सिक्का, बड़े बड़े धुरंधरों को चटाई धूल। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। धवन का टी शर्ट उतार कर सात समुंदर पार गाने पर नाचे पृथ्वी शाह के साथ वीडियो हुआ वायरल। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कैंसिल, फरवरी मार्च में होना था मैच, अब होगा 2022 में। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। चाइना में आईफोन खरीदने के लिए 17 साल के लड़के ने बेच डाली किडनी, अब लड़ रहा है जिंदगी से जंग। अमेरिका ने किया तिब्बत का समर्थन, कहा चीन के पास अगला दलाई लामा चुनने का नहीं है कोई धार्मिक अधिकार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहे न्यूज NCR के साथ।